The Cobra Post investigation grows more intriguing with every new MP encountered in this operation. Kaisar Jahan is a BSP MP from Sitapur. Our reporter met Kaisar Jahan en route while she was travelling to Sitapur, where he quickly briefed her about his company and made a request for a recommendation letter. She told the reporter to meet her on a later date, and so our reporter goes to meet her in her MP quarters, where he meets her husband, Jasmeer Ansari. जी मुझे सब में करता होता तो ना मतलब जानने बगैर जाने समझे कैसे कर दिया जाए। हाँ तो सर बताइए कैसे क्या करना है। अब वो अभी वो आएगा प्लीज बात कहाँ गए वो गया अभी आ रहा ये आप जो भी बताएंगे ना मेरे पास वो प्रेजेंटेशन है आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा कंप्यूटर पे। हाँ वही मतलब वही बात करनी है जी Jasmeer Ansari completely dominates the meeting intended with his MP wife and takes up the matter, while wife Kaisar Jahan is active, albeit a silent presence in the meeting. It may be interesting to note that Jasmeer Ansari is MLA of Leharpur in Uttar Pradesh. Not a whole lot is accomplished in this brief meeting with the first man, as both husband and wife direct the reporter to their PA. Ansari is particularly irked by the manner in which a random visitor walks in for a favor. He likes people asking favors from a politician to follow a certain protocol. इतने बड़े काम जो लोग करते हैं उनको कम से कम जितने आपको देते हैं वो उनको खुद ही इंटरेस्ट रखना चाहिए उनको से काम पड़ता है संबंध बनाना चाहिए अचानक किसी के वहाँ तुम जाओगे कहोगे ये कर दीजिए क्यों करने लगा इसलिए कि करता तो आदमी जब जब थोड़े संबंध होते हैं ताल्लुकात होते हैं आदमी जान जाता है कि आदमी ठीक है मिलते रहते हैं तो उनसे एक हमदर्दी होती मोहब्बत होती मतलब इस तरीके से अगर मान लिया अचानक किसी जाके कहो तुम लेटर लिख दो क्यों लिखे जब तुम्हारा क्षेत्र के नहीं हो जानते नहीं आपको कोई एहसान नहीं कोई तुम्हारा वो नहीं इन लोगों को संबंध बढ़िया बना के रखना चाहिए संबंध नेता से बनाने का तरीका है अपने मालिकों को एडवाइस के लिए जी जो बैठे हैं वहाँ बॉस बने जब इलेक्शन इलेक्शन आते हैं तो किसी नेता से उपलाइज करें किसी को चुनाव में जाएँ कुछ सामग्री वहाँ पे लगवा दें वहाँ पे उनको कुछ मिलें जाके हम कह रहे हैं उस टाइम पे जब आदमी चुनाव लड़ रहा होता है तो एक मीठे का डिब्बा काफ़ी होता है इसलिए हमदर्दी में सहानुभूति में यह है Ansari's lack of interest in the deal almost appeared to be a setback until the reporter meets with his PA. Jasmeer Ansari's PA informs him that Ansari is willing to take the deal forward. अभी कितने MP से लिखवा लिए आप? अभी तो दो तीन हो गए, पांच चाहिए मुझे। दो तीन हो गए हैं। देखिए सीधी बात है हमारे साहब से हमारी बात हुई है ठीक है जी उनका उनके अच्छे पहुंच हैं अहमद पटेल वगैरह से पर्सनली क्योंकि पार्टी का तो कोई नहीं लेकिन पर्सनली जी तो उन्होंने कहा कि भाई पता करो कौन है कैसे क्या है सिर्फ चिट्ठी लिखवाना है या काम कराना है काम कराना है तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा शेयर क्या होगा सीधी सीधी बात है सीधी बात बता रहा हूँ नेता करप्ट ना होते अगर आज के डेट में इलेक्शन इतना महंगा ना होता बिल्कुल सही बात सिर्फ सैलरी पे और उस पर गुजारा होगा जितना मिलता उनको एक एमपी को 1,10,000 रुपये पर मंथ अकाउंट में जाता क्या होगा उतने पैसे में उनको हमारे जैसे आदमी का 50-60,000 रुपये अगर महीने का खर्चा है जी तो उनका खर्चा अंदाजा लगाओ इनसाइटफुल वर्ड्स इंडीड फ्रॉम अ पॉलिटिशियन स्पीक If politicians were not corrupt, our elections would not have been expensive. In his words, सीधी सी बात है नेता करप्ट ना होते अगर आज की डेट में इलेक्शन इतना महंगा ना होता No wonder Jasmeer Ansari wants to strike a bigger deal than merely signing letters of recommendation. Back in conversation with Ansari at his residence, the stakes are raised higher. He insists on meeting the head of Mediterranean Oil Inc. to discuss business.
ये बताया था जी कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पूरा करा रहे हो, लाइसेंस ही जारी करा रहे हैं या सोनिया से करके या किसी से भी बारा, तो किससे हमको बात करना पड़ेगी? हमने कहा तुम लेटर सबसे लिखा है, तुम्हारा एक ही दो लेटर में काम होता है। हमने एक दो तो लिखवा लिया, मैंने एक दो लिखवा लिया, लेकिन बाकी और भी लिखना है जी। मतलब काम ही आपका पूरा कम्प्लीट कराना है, आप वहाँ अप्रोच करेंगे, लाइसेंस जारी कराएंगे, दिखाएंगे जी। तो कुछ किससे तुम्हारा कौन मालिक लेके किससे बात हो सकती है? मैं सर फिर जो हमें जिन्होंने कंसल्टेंसी दी है ना उन्हीं से बात करना पड़ेगा। तो उनसे आप बात कर लीजिए, उनसे कर दीजिए, साथ जी कह रहे हैं कि हम पूरा आपका काम ही करा दें जी। हम किसी से एहसास नहीं, और कोई लिखे तो आपका भला भी हो, काम भी हो आपका, और उनका भी काम हो गया जो भी जिससे हम बात कर रहे हैं जी, आपका भी काम हो गया, ज्यादा बेहतर हो है ना जी। तो आप उनसे बात कर लीजिए जी। थोड़ा सा सर उन्होंने क्लियर नहीं बताया था कैसे क्या कितना करना पड़ेगा क्या किस चीज के लिए, पूरा काम कराने के लिए, पूरा काम का लेटर का अलग अलग है। पूरे काम पे तो मैं बात करूंगा आगे जी, और तुम्हारे लोग बताएंगे क्या इसकी वो है, कितना होगा क्या नहीं, कितने में करा दीजिए जी। मतलब ये लेटर लिखना तो एक अलग चीज हो गई जी, मतलब काम की बात, मैं किसी का एहसान लूँ या किसी से मैं अप्रोच कराऊँ, उनका काम कराऊँ, तो फिर मुझे उनके बारे में तो आप बताएंगे ना क्या अमाउंट आप उनको देंगे। Contrary to the lack of spirit in the previous meeting, Ansari turned out to be more forthcoming than expected. He offered to not just give a letter of recommendation to the authorities, he said he will see the proposal through to the point of actually organizing a license for the reporter's company. He tells the reporter to convey this to his boss. Unse keh dijiye, Sajid ji keh rahe hain, hum aapka pura kaam hi kara denge. In addition, Ansari said he will organize letters of recommendation from a couple of other MPs as well. तो उसी में सर प्रोफाइल का जो लेटर है वो भी उसी में इंक्लूड रहेगा। वो तो रहेगा। रिकमेंडेशन लेटर जो वो तो मैं सब कराऊंगा ना जी। मतलब एक आप करवाएंगे और दूसरा एक दो और सांसद से करवा देंगे। वो भी मैं करवा लूंगा। दो तीन सांसदों से और हो जाए। वो भी मैं करवा लूंगा। जी। ये तो तुम्हारा ये प्रक्रिया है होने की। जी लेटर आपको सिर्फ मिलने तक के। हाँ हमारा तो लेटर मिलने तक का काम है। हाँ। हमें इसी का मिला हुआ है तो हम उसी में शेयर करते हैं। तो आप बता देंगे तीन लेटर का और बाकी हम बात कर लेंगे सर। बाकी आप बात कर लीजिए उसे जी, और बात करके हमें बता दीजिए तो हम आपके बात आपको बढ़ाए पूछे कि भाई ये आपको लेसन जारी उनकी डायरेक्ट मीटिंग आप करवा देंगे ना। हाँ डायरेक्ट करवा दीजिए हमारे पड़ोसी बात से लगेगा जी। और ये सर चिट्ठी कब तक मिल जाएगी मुझे? चिट्ठी तो दे देंगे, चिट्ठी का क्या है कितने क्या करते हैं वो लोग, मतलब किसी से मैं कराऊँ तो क्या कहूँ सर? आपका मतलब आप जो कराते हैं अगर एक दो का और करा देंगे तो 1,00,000 एक चिट्ठी का मान लीजिए आराम से, और कोई बार्गेन करता है तो 10-20-50,000 ऊपर नीचे इस तरीके से। ओ बड़ा ही हुआ तो जी। ये मैं आपको तुरंत दे दूंगा अगर आप चिट्ठी करवा देंगे तो। बहरहाल मुझे पता है जी, Ansari displays commendable initiative and offers to get a couple of more MPs to give recommendation letters. In his words, ek do sansad se aur karwa denge. In addition, he will also innovate while writing the letter. हम लोग ये सब नहीं, इतना छोटे अमाउंट पे कोई काम करते हैं, हम लोग तो कोई बड़े काम बताओ वो कराए। ये तो है ही बड़ा काम सर, इसी में इंक्लूड है आप बताएंगे तो तीन लोगों से करवा रहे हैं। मैं लेटर लिखाऊँ ना, मतलब मैं जब बात तब आगे बढ़े तभी मैं लेटर, उस लेटर का रूप भी बदल के लिखा जाएगा जी, है ना। मतलब वो जो आपको उसमें लिखना है क्या लिखना है वो तो फिर उसका चेंज हो जाएगा ना, जब मैं इसको बना लूँगा फिर स्टेशन के काम को कराना है जी। तो बीच में करके मैं किसी से बात कराऊँ आपकी जी, मैं भी अकेला मीटिंग तो करूँगा, मैं भी तो कोई जब उनके करीब होंगे मिनिस्टर साहब के तब मैं बात करूँगा जी। It is a pleasure to see a politician display such enthusiasm while serving his people. But of course, such enthusiasm comes with a price befitting a politician.
5 lakh rupees. ठीक है, लिखने वाला तुम्हारा काम हम कर देंगे, तुम परेशान ना हो जी, और हम 3 लेटर लिखवा देंगे जी के बजाय जी, अराउंड वाला अपनी देख लीजिएगा जी. 5 लाख सही है सर, हम मेरे हिसाब से तो इससे कम करना भी किसी से दूसरे से अच्छा नहीं लगेगा जी. दूसरे से 2 लाख रुपए एमपी की जमान में नहीं आते. हाँ ये तो है, मतलब ये काम हमारे पीएस लेवल के लोगों का भी नहीं जी. किस पार्टी के हैं जी? एंड दस अंसारी स्पोक इन वन सेंटेंस. He corroborated what Cobra Post set out to establish through this investigation. A couple of lakhs is but a paltry amount for the stature of a member of parliament. In fact, it is not a respectable amount even for those at the level of his secretaries. In his words, दूसरे से लाख दो लाख रुपए एमपी की समझ में नहीं आता. ये अमाउंट तो हमारे पीएस लेवल के लोगों का भी नहीं है. And just in case you conclude that public servants and their PAs are forever striking such shady deals, Ansari informs us about the vagaries of politics. मैं ये काम करता नहीं हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार तुमसे बात कर रहा हूँ. जी हाँ ठीक. और वो भी इसलिए कर रहा हूँ बात कि आगे चुनाव आ रहा है. जी. वो सब देखना है तो मुझे भी ऐसे लोगों की जरूरत है कि वो काम ला के दें और मैं यहाँ बैठ के करा रहा हूँ.